हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं कि फोर्स में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो है आपको क्लास सी का पोस्ट में कौन सा पोस्ट आता है क्लास सी के अंदर में, तो उसके बारे में बात करते हैं। बहुत आदमी जानता होगा, अगर जानता है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नहीं जानता है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ आदमी जो है पूछते रहते हैं कि क्लास सी का कौन सा पोस्ट आता है, तो शुरू करते हैं कि फोर्स में जो है शुरू होता है कि कांस्टेबल ट्रेडमैन से शुरू होता है। कांस्टेबल ट्रेडमैन मतलब पहले जो है सिर्फ ट्रेडमैन बोला जाता था इनको, जो काम करता है, नाई हो गया, वाशरमैन हो गया, और जो है कुछ वाटर कैरियर हो गया, कुक हो गया, ये सब जो है और बहुत सारा है एक्सेट्रा, वो जो है ट्रेडमैन के अंदर आता है। लेकिन अभी जो है 2-3 साल हो गया उनको ट्रेडमैन नहीं बोला जाता है, कांस्टेबल ट्रेडमैन बोला जाता है, उनको कांस्टेबल का दर्जा दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं इनकी जो ग्रेड पे जो है होता है 6th पे कमीशन के हिसाब से 1800 होता है। बेसिक जो है लगभग सेम ही, लगभग नहीं सेम रहता है, कांस्टेबल जीडी का और कांस्टेबल ट्रेडमैन का दोनों का सेम रहता है। ग्रेड पे सिर्फ जो है 100 ज़्यादा रहता है, जो ट्रेडमैन का 1900 रहता है और जो जीडी रहता है कांस्टेबल जीडी उसकी जो है 2000 रहता है। अभी जो है इसकी क्या बोलता है 7th पे कमीशन में ग्रेड पे सिस्टम ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं कंपैरिजन के लिए 6th पे कमीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कांस्टेबल ट्रेडमैन हो गया, उसके बाद में जो है कांस्टेबल जीडी जो जनरल ड्यूटी एसएससी से सेलेक्ट होता है वो बंदा क्लास सी में आता है, और उसके बाद में जो है कांस्टेबल जीडी हो गया, उसके बाद में जो है हेड कांस्टेबल जीडी जो कांस्टेबल से प्रमोट होता है वो बंदा भी क्लास सी में आता है। उसकी ग्रेड पे जो है 2400 का रहता है 6th पे कमीशन के हिसाब से। 7th पे कमीशन में ग्रेड पे नहीं है, आपको पहले से बता दिया हूँ, लेकिन 7th पे कमीशन के हिसाब से भी अगर हम लोग देखा जाएगा तो जो बेसिक पे रहता है डिफरेंस रहता है। तो अगर देखा जाएगा तो भाई हेड कांस्टेबल जीडी जो है डायरेक्ट एंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रमोशन बेसिस में आता है। और उसके बाद में जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कोई भी फोर्स का वो भी क्लास सी में आता है, और उसके बाद में जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ जो डायरेक्ट भर्ती होता है वो भी क्लास सी में आता है। और उसके बाद में जो है बाकी फोर्सेस में जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इसमें जो प्रमोटिव रहता है कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल टू एएसआई, वो भी जो है क्लास सी में आता है। यहाँ तक जो है सभी क्लास सी में आता है। अगर मान लो कोई बंदा जो है एएसआई स्टेनो भी बनता है वो भी जो है क्लास सी में आता है, क्लास बी में नहीं आता है। ये सब क्लास सी का कैटेगरी है। अगर एएसआई बनता है तो उसका 2800 ग्रेड पर रहता है और बेसिक ज़्यादा रहता है। इसमें यही फ़र्क है, कांस्टेबल का बेसिक जो ट्रेडमैन का बेसिक थोड़ा कम रहेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कांस्टेबल जीडी, उससे हेड कांस्टेबल जीडी का ज़्यादा, और उससे एएसआई जीडी या एग्जीक्यूटिव इन सीएसएफ का ज़्यादा। ये फ़र्क है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लास सी पोस्ट में कौन सा आता है। बहुत आदमी एक और भी पूछता रहता है कि भाई एएसआई सीएसएफ में अगर बढ़ता है तो बन जाता है तो उसको एलडीसी एग्ज़ाम दे सकता है क्या असिस्टेंट कमांडेंट के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे नहीं दे सकता है, क्योंकि जो है उसमें नहीं दिया है, उसके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दिया, नहीं दिया।